हाँ जी तो व्यूवर्स ये देखें माशाल्लाह से मेरे रसगुल्ले जो है बन गए। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। हमारी दुआ है आप जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें, इसी ने एक दुआ से रात का भी लाइव स्टार्ट करते हैं। हाँ जी तो व्यूअर्स आज मैं बनाने लगी हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, तो अच्छे अच्छे कमेंट करने हैं, वीडियो को एंड तक वॉच करना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना, हमारे साथ बने रहना है, तो इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आएगा। ये देखें व्यूअर्स आज मैं बनाने लगी हूँ रसगुल्ले, सूजी के 1 कप सूजी के साथ ढेर सारे रसगुल्ले। ये देखें सूजी जो है मैंने 1 कप ली है, बड़ा कप। हाँ जी व्यूअर्स ये देखें 1 कप हमारी सूजी है तो डबल। हाँ जी व्यूअर्स ये देखें हमारे पास 1 बड़ा कप जो है मैंने सूजी का लिया है तो डबल मैंने उसके अंदर पानी डाल लिया। पानी जो है हमारा बॉयल हो चुका है अच्छी तरह से, बॉयल आ जाएगा तो उसके अंदर हम चीनी डाल देंगे। 1 कप मैंने सीधा ले लिया, मैं और लूंगी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये देखें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये देखें मैंने 1.5 कप ले ली है चीनी, इसके अंदर 4 सब्ज मोटी इलायची जो है मैं वो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इसके साथ मुझे पता है इसके साथ जो खुशबू जो बड़ी प्यारी आती है। देखें 4 सब्ज मोटी वाली मैंने इलायची ले ली है। हाँ जी व्यूअर्स ये देखें इसके अंदर मैंने 4 सब्ज लाचियां मोटी वाली जो है मैंने इसके अंदर डाल दी हैं और बराबर आपने इसको चम्मच हिलाते जाना है। अच्छी तरह बिल्कुल उसको पकाना है कि ये जब गाढ़ी होना शुरू हो जाए फिर इसको हमने समझ लेना कि हमारी जो है चाशनी वो तैयार हो गई है। ये देखें सारी अच्छे से चीनी मिक्स हो रही है इसके अंदर। ये देखें 2 कप जो है मैंने दूध के इसके अंदर ऐड कर दिए, इसको अच्छी से जो है वो बॉयल करेंगे। चीनी डाल दी इसके अंदर, दूध बॉयल करके तो इसके अंदर चीनी ऐड कर दी, अब इसको बराबर लाते रहेंगे जो है गुठलियां ना बन जाए। अच्छे से इसके अंदर चीनी को मिक्स कर लेना। चीनी इसके अंदर मिक्स कर ली अच्छी से, बराबर मैं इसको लाती रही। देखें इसके अंदर थोड़ा सा मैंने दूध और, ये देखें दूध जो है हमारा अच्छी तरह बॉयल हो चुका है। ये देखें अच्छी तरह इसको उबाला आ रहा है, ये देखें नजर आ रहा होगा आपको, मेरा कैमरा दिखा रहा होगा। चीनी इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने, ये इसके अंदर सूजी ऐड कर रही हूँ, बिस्मिल्लाह। सूजी डाल के आपने मुसलसल इसका चम्मच हिलाते रहना मुसलसल। मुसलसल इसको चम्मच इसका हिलाते रहना। ये 2 मिनट के अंदर फूल जाती है तो हमारा मटेरियल रेडी हो जाता है। ये देखें मुसलसल आपने चम्मच हिलाते रहना, चम्मच छोड़ना नहीं है। जब ये बर्तन से अलग हो जाएगा मटेरियल तो समझ लेना आपने तो हमारा मटेरियल रेडी है।
थोड़ा सा कुकिंग ऑयल इसके अंदर ऐड किया है और मुसलसल आपने चम्मच ले, देखे मेरे माशाल्लाह से मेरे मटेरियल की गुटलियां नहीं बनी, हाथ तो मेरा थक गया। और जब ये देखे माशाल्लाह से बर्तनों को ये रेडी, बर्तनों को ये मटेरियल हमारा छोड़ा है, ये देखे जब ये बर्तन को छोड़ना शुरू हो जाए मटेरियल, तो समझ लिया हमारा मटेरियल रेडी हो गया। देखिए माशाल्लाह से उसने जैसे कोफ्ता बनाई है, ये देखिए हाँ जी व्यूअर जी, देखिए माशाल्लाह से मटेरियल मेरा इतना अच्छे से जो है वो रेडी हो गया, ये देखिए। बर्तन के साथ जरा भी नहीं चिपक रहा, ये देखें। तैयार हो चुके हैं, देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, इतनी जबरदस्त गुलाई आई है इनकी। और ये देखें मैंने इसको डिश में डाल दी है, ये देखें मैंने इसको ऑयल गर्म करके फ्राई करने के लिए डाल दिए, देखें देखें माशाल्लाह से कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इनको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, तकरीबन 5 मिनट तक हमने इनको बिल्कुल छेड़ना भी नहीं है और हाई फ्लेम पे नहीं करना, फिर ये जल जाएंगे। बिल्कुल लो से फ्लेम पे हमने इनको फ्राई करना है। इनका कलर जो है वो लाइट ब्राउन सा हो जाए। गैस भी हमारी बहुत स्लो आ रही है, देखिए लाइट ब्राउन से हो चुकी हैं, लाइट ब्राउन से हो चुकी हैं। इसके अंदर वो मैंने शीरा डाल दिया, जो शीरा बना के रखा हुआ था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो ठीक है, हमारे आज का व्लॉग यहीं तक था, तो इसलिए आपने मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।